चलिए एक और नए बच्चे से मिलते हैं, सिद्धार्थ जायसवाल से, जिनके ऑल इंडिया 252 रैंक है और जो कि नागालैंड से हैं और इनको एनआईटी इलाहाबाद अलॉट हुआ है। तो सबसे पहले सिद्धार्थ, आपको इस रैंक के लिए और एनआईटी इलाहाबाद के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सर ये सब मतलब आपके वजह से हुआ है, आप प्रतीक सर और मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट या गाइडेंस नहीं होता तो शायद ये पॉसिबल नहीं हो पाता सर। आप लोगों के कंस्टेंट सपोर्ट ने मुझे बहुत हेल्प और मोटिवेटेड रखा थ्रू आउट वन ईयर सर प्रिपरेशन के। तो सिद्धार्थ मैं आपको, क्योंकि देखिए सिद्धार्थ आप बहुत दूर से नागालैंड से हैं और क्योंकि एक ऑनलाइन कोर्स ने बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया, अब इंडिया का हर बच्चा जुड़ सकता है, पढ़ सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो आप और आपने फाइनल के साथ ये रैंक अचीव किए, एनआईटी इलाहाबाद मिला आपको, इतना अच्छा कॉलेज मिला है। तो सिद्धार्थ मैं चाहूंगा कि आप अपनी सक्सेस जर्नी जरूर बताएं। एक तो आपने कब सोचा, आपकी ग्रेजुएशन कहाँ से हुई, मतलब आप कहाँ से करा आपने, और फिर ये जो आपने ऑनलाइन स्टडी करी उसका क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? सर मैंने अपना ग्रेजुएशन टीएचके जैन कॉलेज कलकत्ता यूनिवर्सिटी से किया था और सर मुझे निमसेट एग्जाम का मतलब शायद मैं जब थर्ड सेमेस्टर में था तब पता चला, तो शायद अक्टूबर मंथ में, और मेरे थर्ड सेमेस्टर एग्जाम नवंबर मंथ में थी। तो मैं सोचा कि फर्स्ट मैं थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम दे देता हूँ कि मेरा मार्क्स मेंटेन रहे अच्छा, और उसके बाद मैं निमसेट का कोर्स लेके उसमें फोकस करूंगा। तो उस समय शायद मतलब उस समय आपकी लाइव क्लास नहीं थी तो मैंने पेन ड्राइव से ज्वाइन किया था। तो सर नवंबर से मार्च तक तो 4 महीने में मैं पेन ड्राइव से ही पढ़ा, बट सर मार्च में क्या हुआ था कि उस समय लॉकडाउन लग गया था। तो सर लॉकडाउन जब लगा तो मुझे कोलकाता से वापस दिमापुर आना पड़ गया। तो उस समय जो लैपटॉप में मैंने एक्सेस लिया था पेन ड्राइव कोर्स की, वो मैंने कोलकाता ही छोड़ के आ गया था क्योंकि भैया को जरूरत थी। तो सर यहाँ पर आए थे, बहुत दिन बाद आए थे घर, तो एक महीना तो बिल्कुल मतलब घर में मम्मी पापा भाई बहन से बात करने में निकल गई, पता नहीं चला। उसके बाद सोचा कि नहीं अब तो पढ़ाई करना पड़ेगा, नहीं पढ़े तो फिर निमसेट भूल जाओ। तो सर और पेन ड्राइव भी था नहीं, तो मैंने फर्स्ट एक महीने जैसा यूट्यूब से पढ़ा, बट सर यूट्यूब में पढ़ने क्या हो रहा है कि मैंने एक क्लास एक सर का देख लिया, फिर दूसरे सर का देख लिया, फिर तीसरे का देख लिया, और पता चला कि खाली वीडियो ही देख रहे, कुछ प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा। तो फिर मैं सोचा नहीं ऐसे भी नहीं होगा, तो मैंने घर पे बात की अपने मम्मी पापा से कि बहुत प्रॉब्लम हो रहा है और अभी सर ने लाइव कोर्स लाइव क्लास भी लेना शुरू कर दिया, तो मैं सोच रहा हूँ उससे ज्वाइन कर लूँ। तो पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, बोले हाँ अगर तुम्हें जरूरत है तो मतलब आराम से ज्वाइन करो। फिर मैंने आपसे कॉल आपसे बात किया और आप भी बोले हाँ श्योर ज्वाइन करो, बहुत हेल्पफुल होगा। और सर मैंने जैसे ही ज्वाइन किया, मतलब मैं पहले से बहुत डेडिकेटेड था और सोचा कि अब ज्वाइन कर लिया हूं तो एकदम फोकस करके पढ़ूंगा। तो सर उसमें मैंने क्या किया था, एक रूटीन बनाया था अपना कि जो करेंट टॉपिक चल रहा है उसे पढ़ूंगा और मतलब 3 आवर सेल्फ स्टडी दूंगा करेंट टॉपिक को। और उसके बाद सर जैसे मेरा पीछे का भी टॉपिक्स नहीं हुए थे तो मैं वो टॉपिक जो रिकॉर्डेड क्लास में आता था वो देखता था और उससे 1 to 2 hours देता था। सर स्टार्टिंग में मैंने मतलब लॉजिकल रीजनिंग इतना नहीं किया जितना मैथ्स पे फोकस किया क्योंकि बहुत टॉपिक्स कवर नहीं हुई थी। और ऐसे आस्ते आस्ते करके मैं नवंबर तक लगभग कैलकुलस छोड़कर बाकी सब हो गई थी मेरी। और सर फिर नवंबर जब हुआ तो लॉकडाउन में थोड़ा रिलैक्सेशन आया तो मैं वापस कोलकाता गया। तो उस समय सर कोलकाता में जब नवंबर से अप्रैल जो था, मेरे बड़े भाई ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, और उस समय मतलब भैया ने मतलब हम लोग एक साथ रहते थे तो वो छोड़कर वो दूसरे मतलब अपने दोस्त के साथ रहने लग गए और वो 4 महीने कुछ डिस्टर्बेंस के बिना मुझे बोला कि तुम अच्छा खाली अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। तो मैं वही खाली निमसेट पढ़ता था और ऑनर्स एग्जाम की भी कुछ प्रेशर नहीं थे सच। तो सर वो अच्छा प्रिपरेशन रहा मुझे, तो सर मतलब बहुत स्टूडेंट के लिए ये अच्छा हुआ कि एग्जाम पोस्टपोन हो गया सर, बट मैं मानता था अगर मैं में होता तो शायद मेरा थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस होता क्योंकि सर लॉकडाउन लगा तो फिर कोलकाता से वापस दिमापुर आना पड़ा, मुंबई में फिर घर आए तो फिर सर घर में वो पढ़ाई में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। तो फिर वापस अच्छे से फोकस करके फिर पढ़ा, लेकिन सर क्या हुआ कि हमारे जो एनसीएम के एग्जाम थे वो जुलाई 22 से अगस्त 4 तक चले, तो इंटरनल्स एग्जाम वाइवा सब चले। तो सर उस समय मेरा थोड़ा ये निमसेट का पढ़ नहीं पाया और सर ये मेरा प्रोजेक्ट भी था थर्ड ईयर में तो वो तो निमसेट के एग्जाम के दिन ही था। तो मैं तो फर्स्ट बहुत ही मतलब घबरा गया कि अब क्या होगा, एग्जाम मिस हो जाएगा मेरा कोई एक। तो फिर आपका उस समय सेशन आया था तो आपने बोला कि यूनिवर्सिटी में जाके बात करो कुछ हो सकता है। तो मैंने फर्स्ट अपने एचओडी से कॉल करके बात किया कि मैम ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है तो कुछ आप करिए। तो मैम बोले ठीक है तुम अभी अपना एग्जाम पे फोकस करो, मैं कुछ बात करके देखती हूँ। तो मैम ने फिर यूनिवर्सिटी में कांटेक्ट किया और मैम हमारी एग्जाम को 7 अगस्त से 9 अगस्त में मतलब पोस्टपोन करा दी।
तो मैम ने भी बहुत हेल्प किया, नहीं तो फिर एग्जाम देना इम्पोसिबल हो जाता मेरे लिए। और उसके बाद जब सर एग्जाम देने में गया तो मुझे मेरा मॉक जो सर आप लेते थे उसमें तो सर मेरा स्टार्टिंग में इतना अच्छा स्कोर नहीं रहा, बट धीरे धीरे मॉक देके क्या हुआ सर प्रैक्टिस बन गया, तो मेरी हर मॉक में 500 टू 600 स्कोर होती थी। और सर जो आप मॉक 38 से जो शुरू किए उसमें तो मेरा हर मॉक में लगभग 600 प्लस रहता था, और सर एंड के जो मॉक थे एंड के 4-5 मॉक थे उसमें मेरा मतलब रैंक टॉप 10 में था। तो इसलिए जब मैं एग्जाम देने बैठा तो मुझे डर नहीं था, कुछ नर्वसनेस नहीं था, मुझे पता था कि सिलेक्शन हो जाएगा। तो अच्छे से एग्जाम दिया, आपने जैसे बोला था राउंड वाइज करके वैसे दिए मैंने। सर फर्स्ट 30 मिनट्स में मैंने लगभग 20 टू 25 क्वेश्चंस कर लिए थे। उसके बाद सर क्या हुआ कि एक मुझसे मिस्टेक हो गई, मैंने सेकेंड राउंड के लिए क्वेश्चन वेक्टर्स की मार्क की थी वो 3D वाली, तो सर उसमें वो मैं सॉल्व जब करने लगा मैंने 5 मिनट्स दे दिया सर। और उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन किया उसमें भी 5 मिनट्स लगभग लग गया, तो सर वहां पे वो दो क्वेश्चंस में 10 मिनट्स लग गए और मैं श्योर भी नहीं था कि जो आंसर्स आए करेक्ट है कि नहीं, तो वहां पे मैं थोड़ा नर्वस हो गया सर। और उसके बाद शायद दो क्वेश्चंस बहुत ही इजी सर मैंने सिली मिस्टेक कर दी, और एक क्वेश्चन तो वो कंटिन्यूटी वाली थी मैं वो देखा ही नहीं सर, वो मतलब नर्वसनेस में स्किप हो गया मुझसे। तो सर ये 3 क्वेश्चन लगभग 42 मार्क्स की मेरी नर्वसनेस की वजह से चली गई। तो मैं जो वीडियो देखेंगे हमारे जूनियर्स उनको कहना चाहूंगा कि एग्जाम में बेस्ट तो नर्वस बिल्कुल ना होना। और सर वही उसके बाद फिर एग्जाम दे के आए, सोचे थे कि एग्जाम तो बस खराब चल गया, 3-4 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, लेकिन जब पेपर आया तो मुझे थोड़ा होप था कि शायद सिलेक्शन हो जाए, और जब रिजल्ट आया तो 252 रैंक देख के अच्छा लगा सर। मुझसे ज्यादा खुशी शायद मेरे पेरेंट्स और मेरे फैमिली मेंबर्स को हुई होगी, क्योंकि सर मेरे बड़े भाई से लेके मेरे मम्मी पापा और यहाँ तक कि मेरे छोटे छोटा भाई भी कंस्टेंट सपोर्ट रहता था सर। और मैं जब भी मॉक देता था मेरे छोटा भाई मुझसे कॉल करके पूछता था भैया आज सर मार्क्स कितने आई है, मैं बोलता था अच्छा मेरा आज तो खराब गया 400 आया, तो बोलता था 400 तो कहाँ सिलेक्शन होगा, ऐसे करके हमेशा सर कंस्टेंट मोटिवेशन रहता था घर से। बहुत अच्छी बात बोली सिद्धार्थ, क्या होता है फैमिली का सपोर्ट बहुत बड़ा होता है, जैसे आपने बोला कि आपके भैया ने आपको 4 महीने रूम फ्री कर दिया, और दूसरी बात ये कि आपने पहले पेनड्राइव से पढ़ा फिर आपको समझ में आ गया, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। जैसे आपने बोला ना अक्सर बच्चे जब यूट्यूब से पढ़ते हैं तो यही दिक्कत होती है, वो एक ही टॉपिक को 10 टीचर से पढ़ डालते हैं तो उनकी सेल्फ स्टडी का कुछ टाइम ही नहीं होता, फिर समझ में आता नहीं हम कहीं लैग कर रहे हैं। पर अच्छा है कि आपने समय रहते हो क्योंकि आप ऑलरेडी पेनड्राइव स्टूडेंट से मुझसे बात की, फिर आपने ऑनलाइन पढ़ाई की। और देखो एक चीज और देखो, आप सोचो अगर आपने बात नहीं की होती प्रैक्टिकल की, हिम्मत हार जाते तो कई बच्चों के साथ ही हुआ। और मैंने सभी बच्चों को एक बात बोली, अपनी यूनिवर्सिटी में बात करो, सबसे अच्छी बात है 80% लोगों के पेपर या टाइमिंग चेंज होने की वजह से उन्होंने एग्जाम दे पाए, और देखो आपने भी दिया, और अगस्त में आपके एग्जाम होने के बाद भी इतनी अच्छी रैंक लाना, ये इस बात को बताता है कि आपका कहीं ना कहीं फोकस बना हुआ था, क्योंकि आप पढ़ाई पहले से कर रहे थे इसलिए आपको देखो कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। और अगर पेपर में शायद नर्वस नहीं होते तो 252 की जगह हो सकता 52 रैंक होती, क्योंकि एक एक क्वेश्चन पे कई सारे बच्चे होते हैं। तो एनीवे पर बहुत अच्छी रैंक आई, एनआईटी इलाहाबाद एक टॉप एनआईटीज में है। अच्छा ये बताओ आपका तो अब एनआईटी इलाहाबाद की क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं, तो वहां पढ़ने के बाद आपको कैसा फील होता है, मतलब आपको क्या डिफरेंस लगता है आपने जो ग्रेजुएशन के दौरान पढ़ा और अभी जितने दिन भी आपने क्लास की, क्या डिफरेंस लगा आपको? सर एक तो मतलब एनआईटीज वगैरह में सीनियर्स लोगों के साथ इंटरेक्शन बहुत होता है सर, हमारे प्रोफेसर तो हमें पढ़ाते ही है, बट सर अभी तक हमारे सीनियर्स के साथ 3-4 इंटरेक्टिव सेशन हो गए हैं, और वहां पे सीनियर्स हमें बहुत अच्छा तरीके से गाइड करते हैं, जैसे कि हम उनके भाई बहनों छोटे भाई बहनों। और सर रहा बात दूसरे कोडिंग रिलेटेड की, तो सर मैं ये कह सकता हूँ कि मैं ग्रेजुएशन के पूरे 3 साल में मतलब जितने कोडिंग के बारे में नहीं सीखा या फिर जितने कॉम्पिटिशन नहीं जाना, वो अभी मुझे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिला कि मैं पार्टिसिपेट करूँ और या कुछ अच्छा परफॉर्म करूँ, दिखाओ मेरे टैलेंट को, जो मुझे ग्रेजुएशन में बिल्कुल नहीं मिला था। और सर यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर स्टूडेंट चाहे और अच्छे से करके दिखाए तो वो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं जो नॉर्मल कॉलेजेस से शायद ना हो। तो सर बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है, स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे, क्लासमेट्स जो है सबके सब सपोर्टिव है, कुछ हेल्प चाहिए सब हेल्प करते हैं, और सीनियर्स के साथ तो इंटरेक्शन सर बहुत ही अच्छा रहता है, और प्रोफेसर्स भी सर बहुत ही मतलब एक अपने बच्चों जैसा पढ़ाते हैं, कुछ भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि नया जगह हो कुछ मतलब नर्वसनेस कुछ स्ट्रिक्टनेस वैसा नहीं सर, बहुत ही अच्छा लग रहा। चलो बहुत ही अच्छी बात है सिद्धार्थ, काफी अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहा। अच्छा आप ये बताओ अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो, आप इतनी दूर नागालैंड में हो, अच्छा नॉर्मली आप अपनी अपनी जगह के बारे में बताओ कि आप नागालैंड की जिस जगह से हो वहां पर एजुकेशन का कैसा एटमोसफियर हो, बच्चे
सीरियस होते हैं कि नहीं एजुकेशन को लेके, क्योंकि देखो आज आपका सिलेक्शन हुआ ना, आज आपके वजह से बहुत सारे लोगों में कॉम्पिटिशन आएगा कि नहीं यार हमें करना है, जब मेरे दोस्त ने या मेरे सीनियर्स भैया ने कर लिया है, तो आपको क्या लगता है मतलब वहां पर एजुकेशन का कैसा एटमॉस्फेयर है? सर एक्चुअली सर नागालैंड के ये जीमापुर जो डिस्ट्रिक्ट है हमारी, यहाँ पर ही थोड़े इंस्टीट्यूट है, कॉलेजेस है, बाकी दूसरे नागालैंड में तो इतनी नहीं है। और डीमापुर में भी सर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है 12th के बाद वो बाहर ही चले जाते हैं, मतलब डीमापुर में रहते नहीं, क्योंकि इतनी पढ़ाई की यहाँ पे एनवायरनमेंट है ही नहीं। तो इसलिए मैंने भी 12th के बाद सर बाहर ही जाना प्रेफर किया था। और यहाँ के सर लोग भी अगर आप पूछेंगे कि सर 12th कर लिए तो आप यहाँ पे एडमिशन लो, तो सर बोलते हैं कि 10 के बाद ही चले जाओ, 12th तक भी मत रुको। सर कुछ पढ़ाई का इतना मतलब अच्छे कॉलेजेस नहीं है यहाँ पर। ओके सिद्धार्थ, चलो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब ऐसे ही आप खूब आगे बढ़ो और अपने NIT इलाहाबाद में भी अच्छी परफॉर्मेंस दो। वंस अगेन कांग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।